नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान जिले के जेडीयू दलित समाज के नेता संतोष बाजपुर ने अपने ही पड़ोसी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने अपने पड़ोसी का नाम लेते हुए कहा है कि मेरी मां की जमकर बिना किसी कारण के पिटाई कर दिए और उसके बाद हमारी हत्या करवाना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें, संतोष बाजपुर आज अपने फतेहपुर स्थित आवास पर प्रेस वार्ता किए, जहां पर इनकी मां और इनकी मौसी ये लोग मौजूद रहीं। और इन लोगों का कहना है कि कई बार हम लोगों ने आवेदन दिया है लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर के सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि नगर के जो थानाध्यक्ष हैं या फिर ज़िले के जो SP हैं तुरंत कानूनी कार्रवाई इस पर करें, नहीं तो हमारी हत्या हो जाएगी। तो आपको बताते चले कि संतोष बाजपुर जो कि JDU के दलित समाज के नेता हैं सिवान ज़िले में, और अब इन्हें जान का खतरा है। सुशासन बाबू की सरकार है और उसी नीतीश कुमार के ये सिपाही हैं, और अब ये नीतीश कुमार के सिपाही अपनी सुरक्षा को लेकर के ज़्यादा चिंतित हैं कि कब इनकी हत्या हो जाए। और इसी को लेकर के आप देख सकते हैं अपनी माँ के साथ, अपनी मौसी के साथ बैठकर और मीडिया से रूबरू हुए और इन्होंने प्रेस वार्ता किया अपने फतेहपुर स्थित आवास पर। तो आइए सीधे ले चलते हैं और सुनते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में संतोष बाजपुर ने किसका नाम लेते हुए कहा कि मेरी ये हत्या करवा सकते हैं और क्यों करवा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के सीधे चलते हैं संतोष बाजपुर के पास और सुनते हैं उनकी पूरी बातों को। ATN लाइव के लिए रिशु के साथ चंदन कुमार सिवान। मामला यही है कि सर, हम राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, हम बाहर अक्सर रहते हैं, आप घर पे हम रहते नहीं। मेरा छोटा फैमिली, एक माँ है और 2-3 बच्चे हैं मेरे, और बराबर मेरी माँ को एक बगल के रहने वाले मुन्ना बाजपुर है, लगातार मार रहे हैं, कल भी मारे। उनका कुछ समाज में अच्छा पकड़ है क्योंकि वो लोग सफाई का काम करते हैं, जेल से अच्छा उनका पकड़ है। काल में हम गए थे ताजपुर, एक डोमाईगढ़ है, वहाँ से हम निकले जब, तो मेरा हसनपुरा से लेकर आशीषवन ढाला तक एक स्कॉर्पियो पूरा पीछा की हम लोग को। उतना मेरा ड्राइवर अच्छा था कि हम किसी तरह बचा लिए। आ इसके पूर्व में हम लगातार आवेदन देते आए कि हमारा हत्या हो जाएगा, हत्या मुन्ना बाजपुर, उनका फैमिली सोनी बाजपुर, ये लोग हत्या कराने के लिए तुले हुए हैं। आ इसमें थाना प्रभारी जो सुदर्शन राम जी हैं, इस पर कोई सुनवाई उन लोग के प्रति नहीं कर रहे हैं। बार बार आवेदन FIR होने के बाद भी वो कुछ भी नहीं कार्रवाई होती है। एक संतोष राम दुर्गा है तो वो कहते हैं कि सर क्या कीजिएगा, हम लोग जाते हैं वहाँ पे, जज साहब हम लोग को अंदर कोर्ट में ले जाकर डांट पड़ती है, उसीलिए इस पर हम लोग कुछ कार्रवाई नहीं। अब पता नहीं उनका कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है इन लोग का, और किसी दिन मेरा हत्या हो जाएगा। मुन्ना बाजपुर तो हत्या कराएंगे, अब प्रशासन का भारी लापरवाही है। तो आखिर आप में और जिनका आप नाम ले रहे हैं मुन्ना बाजपुर, विवाद क्या है आप लोगों के बीच? विवाद यहाँ से वो चाह रहे हैं कि मेरा पूरा जगह जमीन लिखवा ले, घर द्वार ले ले, इसीलिए मेरे माँ को मार रहे हैं। मेरा कोई फैमिली यहाँ पे नहीं है, हम लोग सिसवन के रहने वाले हैं, हम लोग शुरुआत से यहाँ पे, मेरे पिताजी का जमीन था, हम लोग हैं। अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जिसका केस का यहाँ पे एक पेपर होते पेपर देता हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोर्ट न्यायालय में चल रहा है केस। लगातार इस प्रकार का टॉर्चर कराया जा रहा है, 3 तरफा वो लोग कर रहे हैं। मेरा छोटा फैमिली है, कभी भतीजा का, भतीजी का, सब फैमिली एक बार अटैक बोलते हैं। माँ अकेले रह जाते हैं, माँ का जड़ा मेरा सेहत खराब है। आपको एक वीडियो क्लिप दे रहे हैं, देख रहे हैं मुन्ना बाजपुर किस तरह मेरी माँ को बेरद मारे हैं। हम लोग गुहार कितनों लगा रहे हैं जाकर, तो थाना प्रभारी इस बारे में कुछ नहीं सुन रहे हैं। इनका एक केस हुआ है, मुन्ना बाजपुर मारे हैं इनको, FIR हो चुका है, जिसमें कि IO है लीलम कोई दरोगा, वो करे कि मुन्ना बाजपुर का नंबर दीजिए ना, हम बात करें। सिर्फ वहाँ पे यही हो रहा है कि आया जाए सेट कर कंप्रोमाइज कर लिया जाए। तो अब आगे क्या चाहते हैं हम?
मीडिया के माध्यम चाहते हैं कि हमारे जान को सुरक्षा किया जाए, एसपी सर से कहा जाए। आप अपने जो कि आप एक जनता दल सुरक्षा की मतलब कुछ सुरक्षा दिया जाए, क्या लग रहा है कि प्रशासन अब सरकार के कंट्रोल से ही बाहर है क्या? अब प्रशासन नहीं कंट्रोल में है, हमारे देखने से ये लग रहा है कि हम लोग अपना खुद सुरक्षा नहीं कर सकते तो हम किसको बारे में क्या बोल सकते हैं। ये आप लोग घरेलू मतलब खानदानी लड़ाई है क्या? नहीं, खानदानी कुछ नहीं, मेरा नाम खानदान परिवार के भी है हमारे। नहीं, परिवार का भी नहीं है, पलवारी कहाँ से लड़ाई हो जाएगा? अब पलवारी लड़ाई रहेगा तो मेरी माँ को मार दीजिएगा आप, मेरा हत्या करा दीजिएगा, किसी का सरकार हो और मेरा हत्या आप करा दीजिएगा, मेरा संपत्ति ले लीजिएगा। वो आपके बगल के ही हैं? मेरे बगल के हैं, पड़ोसी हैं। तो आखिर विवाद किस चीज का है? जमीन का विवाद आप लोग अभी चल रहा है, कुछ इस तरह का मामला है? नहीं, जमीन का विवाद पहले चल रहा था, हम अपना बाउंड्री करा ली, अपना सुरक्षित में हम रहते हैं, किसी चीज का विवाद नहीं है। ये माँ मेरी केस के पहले प्रूफ में की थी, केस करने के दौरान क्या हुआ कि ये अपनी माँ को लेकर आ रही थी। केस किस चीज का हुआ था ये बताइए पहले, आपकी माँ केस किस चीज की? हम बता रहे हैं, रुकिए ना, आप बताइएगा। केस इसलिए हुआ था ना, बाल बच्चा में लड़का में झगड़ा हो गया था, तो ये माँ बोल दी कि तुम्हारा लड़का क्यों मार दिया, मेरे नाती को, मेरे ही लड़का को मार दिया गया था, तो उसी में मुन्ना बांसपुर को फुल फैमिली इनको पीट दिया गया, पीटे लगातार ये लोग टॉर्चर उस घर से कर रहे हैं। देखिए जिसमें कि एक आपको बता देते हैं, 2/7/2022 का एक न्यायालय में मामला चल रहा है, कैसे 20/9/2023 का इनका FIR है, इस पर अभी सुनवाई नहीं, इनको पीड़ित को भी मारा गया है। देखें फिर मुन्ना बांसपुर पर एक केस हुआ है 2/7/2022 का, ये भी है 27/4, लगातार FIR है, ये देख लीजिए आप लोग। चारों किस किस चीज का FIR है जो आप दिखा, इनसे क्या मामला है मुन्ना बांसपुर का? अब इनसे पूछ लिया जाए इनका क्या किए हैं मुन्ना बांसपुर, बताओ जी। ये पूरा मामला क्या है, किस चीज का ये विवाद है और क्या कुछ हुआ है आप लोगों के साथ? जब एक घर से ही इनके घर से होता है ना, तो हम लोग को भी गाली देना शुरू कर देता है, घर में घुस के मारना चालू कर देता है वो लोग। अच्छा, ये मेरी बड़ी दीदी है, मारना शुरू कर देता है, कल भी आए तो हमको भी मारा, दीदी को भी मारा है, माँ को भी मारा है, पूरा परिवार मिल जाता। इससे पहले FIR किस चीज के लिए की थी? ये मारपीट से बोला था, इसे जाओ, पूरा हाथ सब कट गया था, सब काट दिया था, बहुत मारा, ये लड़का नहीं था, पूरा शरीर में चिन्ह, दो दो तीन तीन इंजोरी भी है मेरे पास, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। थाना प्रभारी से मिले तो क्या कर रहे थे वो? बोल रहा है कि जाओ जाओ ठीक हो जाएगा, तुम लोग ऐसे करते हो, ऐसे कह करके पटक करके हमको हटा दिए, समझावटा दिला लोग, दो दो बार वहाँ लोक अदालत में भी हम किए, कुछ कोई सुनवाई नहीं, थाना प्रभारी बार बार आकर के पता नहीं उनको क्या हो गया है कि कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं हम लोग के। आपका नाम क्या है? सुनीता देवी। क्या चाहती हैं आप? चाह रहे विवाद ना हो, ये बार बार हम लोग को मार रहा है, क्यों मारेगा? हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है, जब पी करके आएगा, जब हम लोग को गाली भोकेगा, और गाली भोकेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा, हम लोग को बोलना ही पड़ेगा, और गाली दे वो बोलने पर इनका पूरा फैमिली उठ जा रहा है, फैमिली इन लोग को ज़्यादा है, घर में घुस करके मारना चालू, दरवाजा पर लात मारना चालू, दीवार तोड़ना चालू, तुम जाओ यहाँ से, तुम लोग भागो यहाँ से, जब पिता खाता है जब ऐसा ही हम लोग का साथ करता है, जो पाएगा वो छीन लेगा रख लेगा, ये मेरा है। ये विवाद कितने सालों से चलता आ रहा है उन लोगों के बीच आप लोगों से? 10-12 साल, 10-12 साल से सर चल रहा है, 10-12 साल से हम लोग तंग ओके आके थाना प्रभारी के आके समझा के वो कनिया के चल जलन, हमरे के चल जलन, बाकी कुछ नहीं, इलेक्शन ले लन, आना कितना दरखास्त देनी, सब दरखास्त फाड़ के बिक देते रहन थाना प्रभारी, इस भी साहब के यहाँ गई नहीं, कोनो कार्रवाई नहीं के भाई, केस हमार वही में था अथी पर बा कोर्ट में, जब न जब हमारे कहेंगे कुछ ला लगे ना, हम कुछ नहीं की कैले, माँ के भी हमारा उंगली के मार मार के हड्डी उड्डी तोड़ के हमार भी तोड़ तर के, अब बिक दहलन रोज पर बिक दहल, पूरा पलुआरे मिल के
लंबा चौड़ा पलुआर बा मरद में रारू मिल के फिर कल के हमरे के मिल के मारल लसार लसार के मरले बल्लो के हमरे के सब पलुआर काहे मरलो ए सही माँ के देखा के आवत रहनी डॉक्टर की हन से आ माँ के लेले रहनी माइयो के मर देले बोलो बेखबर बड़ी हमरे के मार के मुआ दे के केस उठाओ ए बेटा के जान पर घात बा बेटा के दुश्मन लगवले रह तरन दस आदमी के लेके पियत रहता लोग जी दस आदमी के लेके पियता लोग खियाओ तरन बंटी बाबू अब क्या चाहती हैं हमारा कुछ हमने कहती कल जा मदद कर जा हम मदद मांगते नहीं कि एक नीरे ले कालल जा ये काहे हमारे संगे करता लोग हम अपने घरे रह ले मापन कमाई खाई ले जब पीखा के तरह घर में ढुक के मर्दान मऊगी हमारा बाल बचा के हमारे के मारता लोग हमारे बेटों के मारता लोग